नमस्कार दर्शक बंधु, मु आचार्य आशीष कुमार नायक आपण समस्त को स्वागत जनाउछि आमर यूट्यूब चैनल महर्षि पराशर वैदिक ट्रस्ट रे। एवं आमे राशि फल विषय रे आमे जानिथिले, आमे आमर पूर्व अध्याय रे मेष राशि एवं वृष राशि रे विषय रे आमे जानिथिले। वर्तमान आमे आज ए वीडियो रे जानिबा मिथुन राशि रे विषय। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष वर्ष 2021 किपर रहिबो एवं तांकर स्वास्थ्यगत एवं तांकर शिक्षा एवं फैमिली क्यारियर एवं वैवाहिक जीवन ये सब विषय आम जानिबा ए वीडियोटी रे। एवं मेष राशि, मिथुन राशि एवं वृष राशि एपरी भावरे आमर क्रमगत भाव में आम समस्त विषय वस्तु को आम आलोचना करिबा एवं प्रत्येक राशि विषय वर्ष 2021 किपर रमें संपूर्ण वीडियो रे आम आपको आलोचना करिबा। आज जानिबा आम मिथुन राशि विषय। मिथुन राशि अधिपति ग्रह होचंति बुध एवं वर्षर आरंभ रे निजे लग्नाधिपति एवं राशियाधिपति बुध अष्टम स्थान रही। वर्षर आरंभ रे अष्टम स्थान रे चारोटी ग्रहंकर संचार रहुची एवं बुधंकर संचार जनवरी 5 रु 25 जनवरी पर्यंत अष्टम स्थान रे रहिबे। तो वर्षर आरंभ रे किछि ना किछि समस्या प्रतिबंधक आसीब, कार्य रे बाधा आसीब, मानसिक स्थिति रे किछि ना किछि असुविधा मध्य देखा दे पारे। एवं ठीक जेतेबेले आमर लग्नाधिपति बा राशियाधिपति बुध राशि परिवर्तन करिवे एवं 25 जनवरी परे निश्चित भाव ये एक शुभदायक संचार हेबो एवं भाग्य भाव को बुधंकर संचार रहिबो। एवं जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेषक पई तांकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्य रो आलोचना जदि करिबा तो स्वास्थ्य स्थान रे स्वास्थ्यर अधिपति जी कि मंगल वर्षर आरंभ रु मंगल एकादश स्थान रे संचार करुथिबा कारणरु जी कि 22 फेब्रुआरी पर्यंत रहिबे एकादश स्थान रे, तेणु स्वास्थ्य रे निश्चित भाव रे लाभ मिलिबो। जो मानकर स्वास्थ्य रे किछि असुविधा अछि एवं स्वास्थ्यगत समस्या रे अछंती तांको पई वर्षटी बहुत आरंभ रु एक अनुकूल बा लाभ स्थिति एवं लाभदायक स्थिति रखिबो। एवं मंगलंकर एकादश स्थान रे संचार एक भाग्योदय मध्य हबो निश्चित भाव रे वर्षर आरंभ। स्वास्थ्य एवं शत्रु पीड़ा ये सब रु मुक्ति निश्चित भाव रे मिलिबो एवं जो मानकर कोर्ट केस चली आशानुरूपक भाव रे शुभफल प्राप्ति करिवे। एवं जानिबा मिथुन राशि रे आमर शिक्षा किपरि रहिबो, शिक्षार क्षेत्र किपरि रहिबो, शिक्षार स्वामी होउचंती शुक्र जे कि वर्षर आरंभ रे अष्टम स्थान रे रहिचंती, तेणु वर्षर किंचित मात्रा रे वर्षर आरंभ रे जेकि अष्टम स्थान रे एवं संचार करुचंती प्रथमे शुक्र जनवरी 4 तारीख ठारु जनवरी 28 तारीख पर्यंत जे कि सप्तम स्थान रे वैवाहिक जीवन स्थान रे अछंती एवं तापरे शुक्र 28 जनवरी ठारु 21 फेब्रुआरी पर्यंत अष्टम स्थान को जिवे, जहाँ कि शिक्षा क्षेत्र पई ये साधारण भाव में भल नुहे। वर्षर आरंभ रे शिक्षार स्थिति भल रहिबो, मझिरे जनवरी रु फेब्रुआरी ए मासरे किछि ना किछि सम्मुखीन हो पारती समस्या सम्मुखीन हो पारती, कारण अष्टम स्थान रे सूर्यंकर ज्योति सहित शुक्र अस्त होबार भी संभावना रही, जहाँकि एजुकेशन ये निश्चित भाव एक प्रभाव रखिपे जहाँकि शुभ प्रभाव नुहे। किंतु जितेबले भी शुक्रंकर स्थिति भल रहिबो 17 मार्च रु 10 एप्रिल पर्यंत दशम स्थान रे शुक्र मीन राशि रे रहिबे एवं ये एक शुभदायक संयोग हबो जहाद्वारा कि शिक्षार्थी और विद्यार्थी पाई ये एक शुभदायक स्थिति रहिबो। एवं जितेबले शुक्रंकर स्थिति द्वादश स्थान रे मध्य शुक्र जितेबले 4 मे रु 29 मे पर्यंत रहिबे ताहा मध्य एक शुभदायक स्थिति रहिबो। एवं
शुक्र जेतबेले नीच रहिबे एवं निज भाबा भावेत्रु द्वादश रहिबे जाकि 11 अगस्त टू 6 सेप्टेम्बर ए समय मध्य शिक्षार्थी आ विद्यार्थी मानंक पई तांक पई निश्चित भाबरे एक प्रभावित वर्ष रहिबो बा समय रहिबो। तेणु ओवरऑल शिक्षा क्षेत्र रे निश्चित भाबरे उन्नति रे समय एवं असुविधा रे समय आमे निश्चित भाबरे ध्यान रखिबा एवं से हिसाब रे सचेतन रहिबा। द्वितीय कथा आमे क्यारियर एवं नौकरी विषय रे बा आमर जॉब विषय रे जानिबा पई जानिबा जाकि मिथुन राशि रा व्यक्ति विशेषंकर किपरि रहिबो। मिथुन राशि जॉब आ क्यारियर रा स्वामी होउछंती निजे देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पतिंकर स्थिति भाग्य स्थान रे जहा कि अत्यंत लाभदायक स्थिति भाग्य स्थान रे देवगुरु बृहस्पति जहा कि 6 एप्रिल पर्यंत रहउछंती वर्षर आरंभ ठारु एवं बृहस्पति कुंडली पई अत्यंत योगकारक जहा कि भाग्य स्थान रे संचार करउछंती। तेणु मिथुन राशि रा व्यक्ति विशेषंक पई नूतन कर्म निजुक्ति एवं कर्म क्षेत्र रे बहुत आशानुरूपक ठारु अधिक फल प्राप्ति रहिबो एवं जहा कि वर्षर आरंभ रे तांको एक समृद्धि मध्य दब एवं बृहस्पतिंकर स्थिति 6 एप्रिल रु 14 सेप्टेम्बर पर्यंत जहाँ कि देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति रे रहिबे जो थे कि टिके समस्या आसी पारे आपणकर क्यारियर को नहीं कि हो आपणकर जॉब को नहीं कि हो आपणक प्रमोशन को नहीं कि हो आपणक प्रोफेशन को नहीं कि हो एथरे किछि ना किछि समस्या आसी पारे। एवं देते बेले देवगुरु बृहस्पति 14 सेप्टेम्बर रु 21 नवंबर पुनश्च भावरे मार्गी रहिबे एवं तापरे आपणकर ए सब क्षेत्र रे आपणको सुधार आसीबो। बिजनेस रे बहुत सुधार रहिबो एवं आपणकर कर्म रे आपण जे कोनोसी प्रोफेशन ने अछंति ताधरे मध्ये आपणको आशा ठारु अधिक अनुकूल फल प्राप्त हेबो। एवं आमे जानिबा वर्तमान फॅमिली आ रिलेशन विषय रे किपरि रहिबो कुटुंब रे संबंध एवं जदि आमे ग्रह मानंकर स्थिति देखिबा फॅमिली एवं आमर माने परिस्थिति अनुसार जो सुख सुविधा आमे आमर बंधु परिजनक ठारु नै थाउ ताहा आमे निश्चित भाव रे जदि विचार करिबा तेणु मध्यम धरणर रहिबो। जेतेबेले मंगलंकर स्थिति 2 जून रु 20 जून पर्यंत मंगल नीच रहिबे कुटुंब स्थान रे कुटुंब रे कलह देखा देबो एवं किछि समय पाई मध्ये बुध 26 अगस्त रु 22 सेप्टेम्बर पर्यंत ये रहुचंती चतुर्थ स्थान रे शुभदायक स्थिति रे एवं से समय रे कुटुंब रे आपणकर जहा भी असुविधा अछि कुटुंब रे जदि किछि कलह अछि निश्चित भाव रे ये समाधान होई जीव। सांग साथी एवं बंधु परिजनक सहित संपर्क बहुत मात्रा रे शुभदायी रहिबो। शुक्रंकर स्थिति चतुर्थ स्थान रे 11 अगस्त रु 6 सेप्टेम्बर पर्यंत नीच रहुचि जोथरे कि आपणकर ए समय आपण बंधु परिजनक सहित किछि मनांतर मतांतर घटि पारे ए समय रे आपण ध्यान देबा उचित। एवं लव बा प्रेम संपर्क विषय रे जानिबा कोन रहिबो मिथुन राशि रा व्यक्ति विशेषक पई मिथुन राशि व्यक्ति विशेष पंचम भाव रा स्वामी जहा कि लव आउ रोमांस रा हाउस आमे देखिता पंचम स्थान संतान सुखर स्थान एवं शुक्रंकर स्थिति 6 सेप्टेम्बर 20 अक्टोबर से स्थान रे जेतले स्वस्थान रे रहिबे एक सुंदर राजयोग तयारी हेबो जोथरे कि ए सब संबंध बहुत ही भलो रहिबो। प्रेम संपर्क को नै कि जदि आमे देखिबा शुक्रंकर स्थिति वैवाहिक जीवन स्थान रे रहिछि वर्षर आरंभ रे तेणु जो मानंकर प्रेम संपर्क रे किछि असुविधा अछि वर्षर आरंभ तांक पई उन्नतिदायक हेबो एवं बहुत शुभ फल प्राप्ति हेबो। एवं शुक्रंकर स्थिति 17 मार्च रु 10 एप्रिल सर्वश्रेष्ठ रहिबो मीन राशि रे जहा कि लव एवं लव मैरिज पई एक आशानुकूल भाव रे एक शुभ स्थिति रहिबो। एवं जदि मैरिज रो कथा आमे कहिबा वर्षर आरंभ बहुत ही आनंददायक रहिबो एवं वर्षर ठीक मझिरे जहा कि देवगुरु बृहस्पति वक्र हवा समय रे वैवाहिक जीवन रे किछि समस्या आसी पारे किंतु वर्षर आरंभ रु जहा कि एप्रिल 6 पर्यंत देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थिति भाग्य स्थान रे थिबारु एक सुंदर राजयोग तयारी हेउची जेउथिरे कि केंद्र त्रिकोण रो संबंध रहउची एवं आहा द्वारा
आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत आनंददायक हम जो मैंने बहुत करने चाहते वर्षर आरंभ अनुकूल नूतन मांगलिक कार्य एवं बृहस्पति स्थित अत्यंत शुभ होता कारण आपणकर जीवन में बहुत उन्नति एवं प्रगति परिलक्षित होगा वर्ष 2021 एवं जानिबा समृद्धि विषय समृद्धि स्थान एकादश स्थान वर्षर आरंभ रु मंगलंकर स्थिति एकादश भाव आपण को वर्षर आरंभ रु किछि ना किछि लाभ निश्चित भाव प्राप्त हम जहाँ कि 22 फेब्रुआरी पर्यंत रहुचि एवं जेतेबेले सूर्यंकर स्थिति 14 एप्रिल रु 14 मे पर्यंत रहुचि भाग्यस्थान सूर्य उच्च होकर रोचे सब समय आपण अत्यंत जोगकारक अटे एवं अति शुभदायी एवं शुभफल प्राप्त एवं आमे देखिबा वर्षर कुंडलीटी किंचित मात्र अशुभ फल थिले आमे जदि आशा करिबा निश्चित भाव मिथुन राशि व्यक्ति विशेष वर्ष 2021 एक शुभ वर्ष रहिबो एवं जेकोसी समस्या रही बुधवार दिन जदि आम गणेश भगवान को आपण पूजा आराधना करेंगे निश्चित भाव आपण वर्षटी अनेक मात्रा रे शुभफलदायी रहिबो एवं एक चारिमुखी रुद्राक्ष को आपण प्राण प्रतिष्ठा कराई जदि आपण गलार धारण करते आपण जहाँ भी अशुभत्व अच्छी निश्चित भाव दूरीभूत हो वर्षटी आपण अनेक मात्रा रे शुभफलदायी रहिबो मोर शुभकामना आपण मानक सहित रही ये वर्षटी आपणकर अनेक मात्रा रे शुभ एवं आनंददायक एवं समृद्धि वर्ष एवं आमर ये भिडियोटी को आपण लाइक करूँ एवं आपणकर परिजन मानू भिडियोटी को शेयर करूँ चैनलटी को आपण सब्सक्राइब करूँ कारण आम आग को परवर्ती राशि जो वीडियो आम अपलोड करूँ आपण को सहजरे मिल पार आज रहुचि आगामी एपिसोड रे आम नुआ राशि विषय परिचर्चा करवा रहुचि नमस्कार।